व्हाइट जो जो कर लिए हैं और हेलमेट भी है भाई वाह यही जुलाई तो 2019 में सलीम मंडल का हत्या हुआ था, पुलिस से मारकर उसका हत्या किया था वीर कुंवर मास्टर। इसमें मतलब अनुसंधान जारी रहता और उसमें पूरा एसएसपी सर का गाइडलाइन से पूरा हम लोग उसमें पूरा अनुसंधान जारी जा रहा है। इसमें मेनली टेक्निकल चीज़ में ये भी पता चला कि जयमंगल हाजरा है उसका अगर थोड़ा संदिग्ध हुआ है और उससे उसका टेक्निकल एनालिसिस से ये बात आया है इन्होंने एक आशीष और रंजन सिंह और एक सतीश गुप्ता और समीर से इन तीनों का एक्टिविटीज़ और टेक्निकल एक्टिविटीज़ में थोड़ा संदिग्ध लगा और उसमें यही खुलासा हुआ है गैंग रिलेटेड एक इश्यू था क्योंकि जयमंगल दोनों का एक ही इंटरेस्ट था, एक 1.5 एकर्स का एक लैंड था जो बुगला बस्ती में, दोनों का इंटरेस्ट था, जयमंगल हाजरा को भी इंटरेस्ट था और समीर मंडल को भी इंटरेस्ट था और समीर मंडल इसमें पॉजिटिवली मतलब उसको कन्विंस कर लिया और उसमें आगे बढ़ रहा था और इसीलिए जयमंगल हाजरा को इसमें थोड़ा मतलब गुस्सा हो गया और इन्होंने ये दोनों को हायर किया, मतलब आशीष उर्फ रंजन सिंह और समीर को हायर किया 10-10 लाख का सुपारी देकर इनको हत्या करने के लिए योजना बनाया था, मतलब इसको हत्या करना है और प्लान को ग्रैब करना, यही हुआ था। और उसके बाद लगातार इन लोगों के बीच में टेक्निकल मतलब मोबाइल से कॉन्वर्सेशन था और ये लोग लगातार बातचीत कर रहा था और इन लोगों जय मतलब समीर मंडल का एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहा था, मतलब एक अपॉर्चुनिटी के लिए एक इंसान जगह के लिए वेट कर रहा था। सीमेज में 23 में ऐसे हुआ है और इसके पहले ही 18 जुलाई में ही जयमंगल हाजरा दिल्ली निकल गए क्योंकि इसको एक्टिविटीज़ पर संदिग्ध नहीं होना, ये सब टेक्निकल डिटेल्स में आए। उसके बाद 23 जुलाई में ये लोग रजिस्ट्री ऑफिस के पास ही आया हुआ था और इसका ये लोग पीछे कर रहा था और एक ये सराइडला होते हुए एक वीर कुंवर मार्ग पर जो गया है और वो सुनसान जगह था और ये लोग इसी को मौका बनाकर उनके आगे गए, ये लोग बाइक में गया था ये दोनों, आशीष ने चला रहा था और समीर ने पीछे था पवेलियन में था और ये लोग गया और उसका गाड़ी का आगे बाइक को खड़ा करके विंडो को नॉक किया और उसको गोली मारकर हत्या। दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो चुका है नहीं, उसको पूरा प्रयास में है, उसे कुछ आपराधिक इतिहास इसका नहीं है, दूसरा आरोपी का एक दो बार जेल गया है उसका। और जो गाड़ी प्रयोग किया गया था हत्या के समय गाड़ी बरामद हुई, गाड़ी अभी तक बरामद नहीं हुआ, हेलमेट बरामद हुआ है, रिकवर का कितना दिया है? रिकवर है एक 7.62 mm का देसी पिस्टल है और 7.9 जिंदा गोली दो है और एक काला रंग का हेलमेट और आशीष रंग का मोबाइल। थैंक यू सर। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।